हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज ओ फ्रेंडशिप के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब हम अगर आपने पहले दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले प्लीज़ आप वो देख लीजिए, तभी आपको थर्ड वीडियो समझ में आएगा। तो अब इसमें बैकन ये बताता है कि जितने भी लोगों के मैंने एग्जांपल दिए हैं, चाहे वो प्लॉटिनस है, सेप्टिमस है, चाहे वो कि ये सब लोग नोवाइस नो सिखे नहीं थे, ये कोई सॉफ्ट हार्टेड कमज़ोर दिल के या नो जैसे कि ट्रेजन या मार्कस ऑरेलियस जैसे लोग सॉफ्ट हार्टेड पर्सन नहीं थे। ये रोम की रॉयल्टी, रोम के शाही परिवारों के एमिनेंट बड़े बड़े लोग थे जो कि हार्ड नोज प्रैग्मेटिस्ट थे, बड़े ज़्यादा व्यवहारिक लोग थे। इन्होंने गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन जो था ना, वो बिना केयर के, बिना कॉशन, बड़ा बिना ध्यान के या बिना सोचे समझे नहीं लिया था। लेकिन फिर भी कब ये लोग जो थे वो इस तरह से अपने दोस्तों के साथ, दोस्त इनके दोस्तों ने ऐसा धोखा कैसे दे दिया? तो इसको हम एक ही बात से समझ सकते हैं कि जितने भी पावरफुल लोग थे, ये जो पावरफुल लोग थे, ये दोस्ती के अंदर, दोस्ती के लिए तरसते थे, क्योंकि ये दोस्ती में ही दुनिया की खुशियां ढूंढते थे। बैकन अपनी बात को इस तरह से कहता है कि जितने भी पावरफुल लोग थे, इनके पास दुनिया के सारे एसेस थी, सारे सुख सुविधाओं की, इनके पास फैमिली थी, इनके पास वेल्थ थी, इनके पास पावर थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो ये एक अपने रिलेशन में एक लाइन नहीं खींच पाए कि यहाँ तक तो भैया दोस्ती, इसके बाद में हमारा बिजनेस है। तो इसीलिए जो जिन दोस्तों की ये पूजा करते थे, उन दोस्तों ने उन्हें हरा दिया, उन्हें उन मुसीबत में पहुंचा दिया या उन्हें मौत भी दे दी। कुछ और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये बताता है कि जैसे जूलियस सीजर या ब्रूटस की बताता है, इस तरह की सारे बैकग्राउंड है जो ये काम के नहीं है। इसके बाद में ये कहता है कि कॉमिनस एक राइटर और डिप्लोमेट था जो कि ड्यूक चार्ल्स हार्डी और बाद में फ्रांस के राजा लुइस 11वें के उसके अंडर में काम करता था। तो उसने अपनी राइटिंग में ये लिखा है कि उनका जो उनके जो पुराने मालिक ड्यूक चार्ल्स हार्डी थे, वो अपने सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताते थे, कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते थे कि वो अपना सीक्रेट किसी को ना बताएं। पर एज के साथ में क्या हुआ कि उनका जो दिमाग है ना, वो ख़राब हो गया। इसी तरह से लुई 11वें जो थे, वो भी एक इसी तरह के रिकल्सिव और सस्पिशियस नेचर के शंकालु किस्म के बंदे थे जो अकेले रहते थे, और उन्होंने भी अपने आखिरी साल बिल्कुल अकेले में गुजारे। बैकन इन एग्जांपल से ये बताना चाहता है कि अगर हमारा कोई दोस्त होगा तो जिससे हम अपने दुनिया, अपने दिल की टेंशन कम कर सके, उसे अपनी खुशियाँ बाँट सके, तभी फ़ायदा, वरना हम इनकी तरह अकेले में पागल हो जाएंगे। इसके बाद में पाइथागोरस भी अपना आइडिया बताता है, कोर नो एडिटो, इसका मतलब है कि ऐसी बात कुछ ना करो जो दिल खा जाए, दिल को खा जाए। एक मेरे को एक और कहानी याद आती है कि जिसमें एक शेर आया था कि दिल खोल लो दोस्तों के साथ, वरना खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। पाइथागोरस इसके बाद में ये बताता है कि गहरी दोस्ती के क्या है, कुछ नुकसान क्या है। वो कहता है कि अगर एक आदमी का कोई अच्छा दोस्त है जिससे वो अपनी सारी समस्याएं बता सकता है, तो वो उससे क्या होता है कि अपनी सारी समस्याएं बताने के बाद वो अपना ही दिल खा जाता है। क्योंकि अगर आदमी किसी को सरेंडर कर देता है, चाहे वो उसका क्लोजेस्ट दोस्त ही हो, तो इससे क्या होता है कि कुछ अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं, इससे कुछ ऐसे परिणाम निकलते हैं जिससे उसे खतरा हो सकता है। बैकन ये भी कंक्लूड करता है कि जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी रख लेते हैं, तो ये इंटीमेसी जो है, ये एक दोधारी तलवार होती है। इसका फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा खुशियाँ बढ़ जाती हैं और हमारा दुख कम हो जाता है, पर उसका नुकसान ये होता है कि ऐसी खुशियाँ इल्यूजरी होती, दिखावटी होती हैं। ये एक फैक्ट है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो अपने सारे दुख तो दोस्तों को बता दे और जिसके कारण उसका दुख कम हो जाए। इसी तरह से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपने सारी खुशियाँ दोस्तों को साथ शेयर कर ले और उसकी खुशियाँ बढ़ जाएँ। जैसे एल्केमिस्ट होते हैं, जिनमें क्या होता है कि वो
कुछ उनके पास कुछ ऐसी जादुई औषधियां होती हैं जो पेन को कम कर देती हैं, लेकिन उन औषधियों के एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा, जैसे स्टीरोइड्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंडशिप जो है कि वो हमारे को सूद तो कर देती है, आराम तो पहुँचा देती है, लेकिन उसके खतरे भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रकृति पर थोड़ा ध्यान से देखें तो जब दो दो एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तो उनके मिलने पर कुछ अच्छे रिजल्ट आते हैं। ह्यूमन फ्रेंडशिप में भी कुछ क्यूरेटिव पावर्स हैं, कुछ एम्बालमिंग इफेक्ट्स हैं, जो कि क्या करते हैं, हमें ये बताते हैं कि दोस्ती करना बिल्कुल मूर्खता नहीं है। फिर उसके बाद में ये बताता है कि जो पर्सनल अफेक्शन और बॉन्डिंग पार्ट की जब हम बात करते हैं, हमारे अंदर निजी दोस्ती है या हमारे अंदर बहुत गहरा संबंध है, तो इसका एक और बेनिफिट भी है जो है थेराप्यूटिक। उससे हमारे क्या जख्म भरते भी, हीलिंग भी हमें मिलती है। इससे हमारी मेंटल फंक्शन, हमारे काम, दिमाग भी तेज काम करता है। फ्रेंडशिप जो है, जिंदगी के जितने भी तूफान हैं उनकी जितने भी जिंदगी में तूफान आते हैं उनको कम कर देती है और हमारी लाइफ के अंदर एक तरह की सनशाइन, खुशियां लेके आती है। इससे बंदा स्पष्ट रूप से सोच पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही दोस्तों से अच्छी सलाह मिले, पर इसका मतलब ये है कि जो जो विचार हमारे दिमाग में जंबल अप हुए पड़े, तो मिक्सअप हुए पड़े होते हैं और हम उनको कई बार स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं, हैं? अगर हो सकता है कि आप अपने इन विचारों को अपने दोस्तों को बताओ तो आपको उससे एक क्लियर क्लैरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए और आप उन विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाएं, ताकि आप उनके विचारों के आधार पर एक राइट जजमेंट कर पाए। ये एक ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर एक आदमी सारा दिन अपने दिमाग में सोचता रहे तो शायद उसको यही फायदा मिलेगा, लेकिन अगर अपने दोस्त को अपने बताएंगे तो बताने पर हमें वो ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब वो कहता है कि अरास एक ऐसी मशहूर जगह थी जहाँ पर हाथ से बुनी हुई टेक्सटाइल मिलती थी। ये जो टेपेस्ट्री, जो हाथ से बुनी हुई चीज़ें होती थी, बड़ी रिच और ब्यूटीफुल होती थी। थेमिस्टोक्लेज ने एक बार बोला कि स्पीच, जो भी भाषण जो भी दिया जाए उसको आप अप्रिशिएट किया जाओ। ये जो चीज़ है ये अरास की टेपेस्ट्री के जैसे ही है और इसको तभी आप एडमायर कर सकते हैं जब लोग इन्हें खोल कर और टांग दें, तभी लोग इनको देख कर बता सकेंगे हाँ ये बहुत अच्छी टेपेस्ट्री है। इसी तरह से विचार जब तक वो ओपन अप नहीं होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर ही रहते हैं, तब वो एक रोल, वो बंद टेपेस्ट्री की तरह रहते हैं जो कि पैक रहती है। अब मान लीजिए कि कहीं पे कोई सूट है, वो पैक ही पड़ा है, तो लोग उसके पास से निकलेंगे तो उसको पता ही नहीं कितना सुंदर सूट है। तो फ्रेंडशिप का एक दूसरा फायदा ये भी होता है कि हमें अच्छा जजमेंट मिलता है और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और कहता है कि अगर आप अपने दोस्तों को, अपने दिमाग को कुछ इंटेलिजेंट लोगों, दोस्तों के सामने खोल देते हैं तो आपको अच्छा है कि आप इसको ऐसा करते हैं। अगर आपके दोस्त इंटेलिजेंट नहीं भी है तब भी आप उनको ये बातें बता दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, एक आदमी उन्हें समझ सकता है और शायद उन पे कुछ अपनी बात बताए, कुछ उसमें और ज्ञान दे। इससे क्या हमारी इंटेलिजेंट बढ़ जाती है। इसी तरह से जिस तरह से हम क्या करते हैं, हम किसी भी औजार को कैसे तेज करते हैं, उसे हम किसी रफ स्टोन से रगड़ रगड़ के तेज करते हैं, उसकी धार लगाते हैं। ओब्वियसली बैकन ने थिंकर को कंपेयर किया, इसी टूल के साथ कंपेयर किया है, और वो जो नॉन सो इंटेलिजेंट लिसनर है, जो कम बुद्धिमान लिसनर है, उसे रफ स्टोन के साथ कंपेयर किया है। इससे एक आदमी क्या है कि वो अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से बता सकता है। अगर वो उन थॉट्स को नहीं बताएगा तो वो थॉट्स उसके दिमाग में दब जाएंगे और फिर उसको सफोकेशन हो जाएगी। इसके बाद में बैकन ये एडवाइस भी देता है, जो एडवाइस वेल मैन अनबायास्ड, और बुद्धिमान दोस्तों से आती है, ऐसी एडवाइस जो है उसके हमेशा डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस मिलते हैं। अगर एक आदमी अपने इंस्टिंक्ट, अपने दिमाग से चलता है, अपनी इंट्यूशन, अपने इमोशन से चलता है, तो शायद जो जजमेंट होगी वो बायास होगी, वन साइडेड होगी, इससे हमें परेशानी हो सकती है। इसलिए एक आदमी को सिर्फ अपनी समझ पर नहीं चलना चाहिए और दोस्तों की सलाह लेनी चाहिए। हेराक्लिटस ने जब ऐसे दोस्तों की जो सलाह
को क्या नाम दिया, ड्राई लाइट का नाम दिया। जितनी भी ज़्यादा ये सूखी होगी उतनी ही ये यूजफुल होगी। फ्रेंड्स आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।